हाँ दोस्तों, कैसे हैं? अच्छे तारीख और अपडेट लेके आया था ICICI बैंक पे। ICICI बैंक ने हमें अच्छे क्लोजिंग दे दिए 401 रुपये पे। थोड़ा एक बेरिश ट्रेंड में क्लोजिंग दिया है। वॉल्यूम अच्छा खासा कर रहे हैं, 2,07,51,521 का वॉल्यूम अच्छा हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं जब ये ओपन होता है 396 पर तो ऊपर की ओर जाता 401, और फिर ऊपर नहीं जा पाता, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाता। तो कहीं ना कहीं इसमें एक वीकनेस दिख रहा है। रिजल्ट आ चुका है, रिजल्ट में कोई खास बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहा है। NII जो नेट इंटरेस्ट इनकम है मार्च 18 के कंपेरिजन में अब बढ़ा हुआ है 24%, बट मार्च 18 के कंपेरिजन में अब देखेंगे मार्च 19 में 2% फ्रॉम गिरा हुआ है। आपका जो नेट प्रॉफिट गिरा 1170 करोड़ आया मार्च 19 में, कंपेयर टू 1141 करोड़ थोड़ा सा अप हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो कहीं 8,671 करोड़ मार्च 18 में था, वो 7,420 करोड़ हुआ है, तो 13% से डाउन है। जहाँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको क्वार्टरली नेट प्रॉफिट 2% से, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आप देखेंगे तो 13% से डाउन है। यहाँ पे मार्च 18 से तो आप 1.78 से 1.28 देखें, लेकिन मार्च अगर 17 से देखें तो EPS भी गिरा हुआ है। तो आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे दिसंबर से देखें 13,700, क्वार्टरली देखें तो 13,300 से 13,700 का इंटरेस्ट और इनकम डिस्काउंटिंग बिल में अच्छा आया है। कहीं ना कहीं 13,000 से 17,000 करोड़ आया ईयर बेसिस पर, 1,417 क्वार्टरली बेसिस पे, ये भी अच्छा है। लेकिन आप देखेंगे तो यहाँ पे जो प्रोविजन बढ़ा है, प्रोविजन एंड कंटीजेंसी देखेंगे, प्रॉफिट यहाँ पे देखेंगे तो क्वार्टरली बेसिस पे भी ठीक है, बट यहाँ प्रोविजन देखेंगे तो यहाँ पे 3,000 करोड़ 3,400 करोड़ पे 4,300 करोड़ 5,700 करोड़ यहाँ जो प्रोविजन हुआ है ये सबसे ज़्यादा हुआ है। उसके चलते इसकी प्रॉफिट सीधा घट के 1,600 पे आ गई है। कहाँ 2,300 2,200 करोड़ आती थी, वहाँ पे 1,500 करोड़ आया। और अगर EPS की बात करें तो जहाँ 3.8 था, ये कब था, मार्च 17 में 3.58 था, वो 2.91, अभी 1.82 बेसिक EPS रह गया। तो रिजल्ट में ऐसा बहुत अट्रैक्टिवनेस तो नहीं दिखता है रिजल्ट में कि बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया है। वॉल्यूम वेटेड एवरेज पे ठीक है, थोड़ा सा 1 पॉइंट ऊपर की ओर दिखा रहा है, 400 की जगह 401.30 दिखा रहा है। तो 409 का स्टॉप लॉस लगा करके आप इसको 380 के टारगेट के लिए आप इसको देख सकते हैं, वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। सेंटिमेंट बाइंग ही दिखा रहा है यहाँ पे। मार्केट कैप 2,58,798 का है। डिविडेंड पेइंग कंपनी है। प्राइस टू बुक वैल्यू 2.28 है। डिविडेंड यील्ड 0.37 है। फेस वैल्यू 2 रुपये का है। 48 से 40% की डिलीवरी हो रही है। और कहीं ना कहीं जब डिलीवरी हम देखने की बात करें, आज भी 2 करोड़ का हुआ है तो उसमें से 65 लाख का डिलीवरी हुआ है। और जब यहाँ पे भी देखेंगे अब तो और प्राइस फॉल ही हो रहा है, कहीं ना कहीं प्राइस फॉल हो रहा है। यहाँ पे भी देखेंगे तो 3 मई को जो हुआ था, तो 3 मई को देखेंगे टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी 2,44,00,000 था, लेकिन 1,18,00,000 की डिलीवरी हुई थी। तो शॉर्ट डिलीवरी हो रही है, कहीं ना कहीं सेलिंग बेस्ट पोजीशन। 1 तारीख को देखिए क्या हुआ था, 1 तारीख को अगर जाकर के चार्ट में देखेंगे तो ICICI बैंक में 1 तारीख को क्या हुआ था, अगर डेली बेसिस पे इसको जाकर के देखें तो 1:30 को यहाँ पे, 1 को आप देखिए, 2 मई को जो है ये कहीं ना कहीं यहाँ पे डिलीवरी बेस सेलिंग बेस्ट हो रहा है। यहाँ पे 3 मई को देखिए, 3 मई को जो हुआ है 1,18,00,000 का डिलीवरी हो रहा है 3 मई को। और 3 मई को चार्ट में क्या बता रहा है, चार्ट में मैं 3 को जा करके देखें, ये 2 तारीख है 3 तारीख है। तो जिस तरह से वॉल्यूम आया है उस तरह से प्राइस एक्शन बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है। इनफैक्ट उसके पहले जो गिरा हुआ है, फॉल हुआ था इंडिसिसिव कैंडल के बाद जो फॉल हुआ है उसको भी क्रॉस नहीं कर पाया। इतनी ज़्यादा डिलीवरी लेकर के लोग प्राइस एक्शन नहीं कर पा रहे। और आज देखेंगे तो सेम वही इसके नीचे लोअर लो बना रहा है। ये लो बनाया था 394 का, अब ये 394.70 का था, 394.65 का लो बना रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो अपना है 50 डेज का डेमा टेस्ट कर सकता है 386 को, और अगर इसको तोड़ता है तो 373 की ओर जाता हुआ आपको ICICI बैंक दिख सकता है।
स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा लेंगे, इसका जो हाई था 410 का, 411 का, उसका स्टॉप लॉस 411 का लगा लें, और कहीं ना कहीं ये आपको नीचे की ओर वापस 350 की ओर, 373 और 360 की ओर जाता हुआ दिखे, तो कोई बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं होगा। अगर मैं इसको आप देखेंगे तो ये कंटिन्यू एक चैनल के ऊपर, ये एक चैनल में ऊपर 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 की ओर जा रहा है, एक चैनल में ये ऊपर की ओर जा रहा है, तो अगर ये किसी ना किसी तरह 350 340 तोड़ता है, 350 पे इसको आकर के सपोर्ट ले लेना चाहिए, और अगर नहीं लेता है तो और भी गिरावट होने की संभावना इसमें दिख सकती है, और बहुत भारी गिरावट होगी उसके बाद। और फिर ये अपने जो टेस्ट कर रहा था लो, इसके लो को जो यहाँ से अप गया था उसको भी टेस्ट करने का दम रखता है, तो इस चैनल को ध्यान रखिएगा। ऊपर की ओर जो जा रहा है 400, यहाँ पे 21 आ रहा है, 416 आ रहा है, तो आप 411 को रखिए इसको ध्यान, और इस पैटर्न में कहीं उसको चैनल में जो खेल रहा है उसको खेलने दीजिए, इसको कोई चेंज नहीं करना है, इसको डेली बेसिस पे चैनल को अगर देखने की कोशिश करें। चलिए नेट इसमें ले नहीं रहा है, एक बार इसको डेरिवेटिव स्टडी करने की कोशिश करें, तो आप देखेंगे 431 में की एक्सपायरी है, ICICI बैंक की 401 है, 6 तारीख का स्टेटस है, ये सेट पुट पुट है, इधर कॉल है, तो एट द मनी अगर 401 पे जाए, 401 400 पे जाए, तो आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे 5,26,000 चार अनाधून यहाँ पे शॉर्ट किए की पोजिशन क्रिएट कर रही है, क्योंकि प्राइस एक्शन कम है, बहुत अच्छी पोजिशन कॉल की और क्रिएट की जा रही है, और इधर यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश 18 लाख से है। सबसे ज्यादा पोजीशन जो बन रहा है 380 पे बन रहा है, आप देखेंगे 37 लाख का आज का एडिशन है और 51 लाख से सपोर्ट है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 380 की ओर आपको लगता है यहाँ पे सपोर्ट इनको मिल जाएगा, और ऊपर प्राइस एक्शन में आप देखेंगे तो ये कहीं पे भी 51 लाख सब मिला करके भी बोले तो नहीं है, तो आपको हर लेवल पे ऊपर पे जाने में रेसिस्टेंस आपको मिलेगा। आपको 420 पे रेसिस्टेंस 28 लाख का, 410 पे रेसिस्टेंस है आपको, 400 के आसपास भी आपको रेसिस्टेंस मिलने वाला है, 401 है, तो आपको ऊपर जाते हुए हर लेवल पे रेसिस्टेंस मिलने को है। यहाँ पे सीधा आपको नीचे की ओर दिख रहा है, सीधा ही आपको 380 की ओर आता हुआ दिख रहा है। अगर इसके पुट की बात करें, प्राइस की बात करें, तो 380 का पुट जो है 30 मई का है, आप देखेंगे तो इसका हाई 10 रुपये का था, लो 8 रुपये का था, 9.40 पे क्लोजिंग दिया है, 4,57,000 से क्रिएट हुआ, 267% का ओपन इंटरेस्ट इसमें क्रिएट हुआ है, और सेलर सिर्फ 1,49,000 है। तो ये जो ICICI बैंक का 30 मई का जो पुट है 380 का, लॉट साइज 1,375 का है, और जो अभी प्राइस है इसका 9.40 रुपये, अगर 10 रुपये भी माने तो 13,750 रुपये लगेगा आपको, और इसमें यहाँ से अच्छा खासा 50 से 60% तक आपको डबल भी होते हुए आपको ये दिखे तो कोई सरप्राइज नहीं है। ये 380 का जो रेट है ये आपको कहीं ना कहीं 17-18 रुपये तक जाए तो कोई बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं होगा, हो सकता है क्योंकि रिजल्ट अच्छा नहीं आया है, ऑलरेडी ये अपने हाई पे है, और तीसरा क्या है, ये जो पुट पे पोजीशन बनाया गया है 37 लाख से, ये क्लियर बताता है कि मार्केट कहीं ना कहीं डाउन साइड में सपोर्ट लेने की कोशिश में है, प्राइस एक्शन से भी यही समझ में आता है, और कल आपको दिखेगा यहाँ पे तोड़ते हुए, क्योंकि यहाँ पे ऊपर में हर लेवल पे इसको रेसिस्टेंस होने वाला है, और 430 पे तो देखिएगा 6 लाख से आज एडिशन करके शॉर्ट किया गया होगा इसको। ये जो प्राइस देख रहे हैं सिर्फ एक डमी, यहाँ पे ग्रीन में प्राइसिंग दिखाने की कोशिश की गई है, अल्टीमेटली ये जो प्राइस है, जो वॉल्यूम हो रहा, ट्रांजेक्शन हो रहा, कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको पुट की ओर जाते हुए आपको दिख सकता है। और अगर आज क्वांटिटी की बात करें अभी भी, तो अभी भी लोग 365 पे भी 11,000 से आज बिट पे पेंडिंग है, लोग तो 365 पे भी इतनी बाजी लगा के कोशिश कर रहे हैं, जो कि सिर्फ 3 रुपये 70 पैसे के ट्रेड पे मिल रहा है। तो ICICI बैंक जिसका रिजल्ट आ चुका है, कहीं ना कहीं कल आपको एक वीकनेस दिखने को मिलेगी, और 380 पे आपको लगता है कि सपोर्ट लेने का कोशिश करेगा, नहीं लिया तो फिर ये 360-350 तक जाते हुए आपको दिखेगा, और 350 पे कहीं ना कहीं सपोर्ट आपको मिल जाएगा।
परफॉर्मेंस की बात करें तो डेली बेसिस पे देखेंगे इसने 0.12 का लॉस किया, 1.45 का मंथली गेन, आप देख रहे हैं वाईटीडी भी गेन है, ईयरली भी गेन है, तो वीक बेसिस पे कहीं ना कहीं इसमें पैटर्न है। और 15 मिनट के कैंडल पे देखेंगे तो सेल का पोजीशन बना हुआ है, लास्ट मोमेंट पे कहीं ना कहीं एसएससी बैंक में सेल का पोजीशन बना था। फंडामेंटल की बात करेंगे तो इसे फंडामेंटल अच्छा है, डिविडेंड भी देता है, बीटा भी कम है, और 1.42 है, और पी रेशियो 73 है, ईपीएस 5.47 है, ये फंडामेंटल है। इसका प्राइस, अगर प्राइस को देखने की बात करें तो कहीं ना कहीं यह आज 396 पे ओपन होकर के 404 का हाई लगाता है, 394 का लो लगाता है, और क्लोजिंग यहाँ पे 401 के आसपास देता है, वॉल्यूम 2 करोड़ से भी ज़्यादा हो रहा है, एक अच्छा चीज़ है इसमें। तो टेक्निकली यहाँ पे भी देखेंगे तो स्टोन सेल 15 मिनट के आवरली पे बाय है, लास्ट क्लोजिंग होते होते यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको डिप दिखा है। तो आईसीआईसी बैंक में एक ओपिनियन था कि ये कहीं कहीं एक शॉर्ट पोजीशन आपको बनता हुआ दिख सकता है, हो सकता है ये आपको नीचे की ओर दिखे, तो आईसीआईसी बैंक में एक पुट चाहे तो हम उसको पुट की ओर सौदा बना सकते हैं और उस पर वॉच लिस्ट रख सकते हैं। आईसीआईसी बैंक पे आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ऑप्शन, तो आप वहाँ पे आईसीआईसी बैंक में चाहें तो आप पुट का पोजीशन बना करके आप रह सकते हैं, 380 का पुट जो है वहाँ तक अच्छा पोजीशन बना है, तो पेपर ट्रेड कर सकते हैं और उस पर वॉच लिस्ट रख सकते हैं। मेरा डायरेक्ट आपको कोई भी, ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज से, मेरा कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, आपको कोई भी बाय और सेल करना हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करने के बाद ही करेंगे, ये सिर्फ इंटरडे पर्पज से था। आगे ऐसे बैंक अच्छा कर सकता है, इसमें कुछ बहुत कोई दोराय नहीं है, लेकिन अभी इंट्राडे पर्पज से 2-4 दिन में बैंक निफ्टी में भी वीकनेस देखने को मिल सकता है, तो हो सकता है कहीं ये 350 की ओर जाता हुआ दिखे, तो हो सकता है ऐसा हो, बट कोई भी आपको कोई मार्केट में पोजीशन बनानी हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके कंसल्ट करके जानकारी लेके फिर बनाइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।